हे गाइस, वेलकम टू द कैंटी। और मैं हूं अमित। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फोटो एडिटिंग के बारे में। तो इस फोटो एडिटिंग के मदद से, इस एप्लीकेशन के मदद से आप एक अच्छे से अच्छे बैनर बना सकते हैं, एक अच्छे से अच्छे पोस्टर को बना सकते हैं आप, वो भी HD में और हाई क्वालिटी में। सो उसे आप चाहें तो फिर प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो है ये फ़ोटो देती है इस एप्लीकेशन के मदद से। तो आप उससे कह सकते हैं कि अगर आप चाहें तो ट्विटर की हेडर भी बना सकते हैं, या फिर फेसबुक की आर्ट पिक्चर भी बना सकते हैं, या फिर यूट्यूब की जो बैनर होती है वो भी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें बैनर में साइज आपको मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कहीं कहीं पे, या फिर यूट्यूब की थंबनेल की साइज जो है मिलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ऑलरेडी सारा चीज़ जो है बना हो रहता है। आप जो हैं, आप यहाँ से यूज़ करके आप आसानी से जो है इस एप्लीकेशन की मदद से आप आसानी से एक अच्छे से अच्छे पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो पे अपने कह सकते हैं अपनी फ़ोटो पे कुछ अच्छे से अच्छे जो हैं मोटिवेशनल, फिर एजुकेशनल या फिर इंफॉर्मेशन टाइप की जो कह सकते हैं इमेज बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सो इसके लिए हम जो है एक एप्लीकेशन जो है बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन के बारे में आज बात करेंगे। तो उस एप्लीकेशन को जो है आपको डाउनलोड करना है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो जो है काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन दबा करके। और आपको लेकर चलते हैं हम अभी मोबाइल की स्क्रीन पर यानी फ़ोन की स्क्रीन पर, और सारी जानकारी हम उस एप्लीकेशन के बारीकी से देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और आपको यहाँ से जो है उस एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप आसानी से कोई पोस्टर और इमेजेस पे आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि आपको हम बताएं, आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप उस लिंक से आप पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप जाके गूगल के प्ले स्टोर में पिक्सल लैब लिख लीजिए, और पिक्सल लैब लिखने के बाद आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपको जो है ओपन करना, इस तरह से आपको ओपन होगा। और उसके बाद जो है आपको सबसे पहले हम आपको जो है जानकारी देते हैं बारी बारी से सबके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिख रहा होगा आपको, सो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्लस दिख रहा है आपको, तो इस प्लस का चिन्ह का काम है, इस प्लस का चिन्ह है यानी कि यहाँ पे प्लस जैसे तो टेक्स्ट होगा, करंट होगा, सो देख सकते हैं टेक्स्ट है, फिर करंट डेट है, स्टिकर है, सेप्स है, फ्रॉम गैलरी है, ड्रॉ है। तो इस सब का जो यूज़ है उसके बारे में बताएंगे। तो टेक्स्ट मतलब तो समझते ही हैं कि टेक्स्ट हो गया, कुछ लिखना चाहते हैं तो डबल टाइप कर दीजिए और यहाँ पे आप जो भी चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। और लिखने के बाद जो भी आप लिखेंगे, तो आप लिखने के बाद सपोज़ मान लीजिए हम अभी यहाँ पर टाइप करते हैं अपना नाम, तो अभी हम जैसे टाइप कर दिए तो देख सकते हैं यहाँ पर नाम मेरा आ गया, इस तरह से टेक्स्ट के बारे में हो गया। सो अब इसी टेक्स्ट के बारे में अगर हम बात कर लें थोड़ी सी, तो आपको जो है अगर टेक्स्ट को डिज़ाइन चेंज करना है तो आप यहाँ पे ए पे क्लिक कर दीजिए। सो ए पर दिखाने की हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले ए देख रहे होंगे आप यहाँ पे, तो ये जो है ए, इस ए पे आपको कैपिटल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप किस तरह टाइप से लेना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर मान लीजिए अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए जैसे देख सकते हैं कॉपी है, टू फ्रंट है, फिर बैक है। सो यहाँ पे और बहुत सारे जो हैं आप चाहें तो जैसे फिर पोजिशन है, या फिर रिलेटिव पोजिशन है, साइज़ है, फिर पेन कह सकते हैं पैडिंग है, तो यहाँ पर जो भी लेना चाहते हैं कलर है तो आप यहाँ से करते हैं। सपोज कलर को चेंज करना चाहते हैं तो कलर पे क्लिक कर दीजिए और देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। ओके, इस तरह से जो है आप यहाँ पे फिर कर सकते हैं, मास्क भी लगा सकते हैं, और उसके बाद स्टाइल भी है, फ्रंट भी है, कैसा फॉन्ट लेना, फॉन्ट ले सकते हैं तो फॉन्ट पर चेंज कर सकते हैं। सो देख सकते हैं फॉन्ट भी चेंज हो गया है, और स्टाइल भी चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, बॉडली कर सकते हैं, फिर आप चाहें तो इलरसिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में आप क्या रखना चाहते हैं, तो सपोज से ब्लैक हो गया, और भी कलर अगर वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट भी रह सकता है। और इसको जैसे देख सकते हैं राइट लेफ्ट भी बढ़ाने के लिए इसका यूज़ होता है बैकग्राउंड का। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कह सकते हैं राइट के लिए है, राइट साइड भी बढ़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप लेवल में बढ़ेगा, या फिर इसको आप कह सकते हैं बॉटम में बढ़ाना चाहते हैं तो बॉटम में भी बढ़ा सकते हैं, या फिर इसको रेडियस में करना चाहते हैं तो आप इसको रेडियस कर दीजिए, देख सकते हैं रेडियस में हो गया। सो इस तरह सब जो हैं आप जो हैं अच्छे से अच्छे राइटिंग करके आप बना सकते हैं। सो सेकंड हम बात करेंगे प्लस पर, फिर क्लिक करते हैं करंट डेट के बारे में। तो करंट डेट ऐसे देख सकते हैं कि आज का डेट 16/7/2020 ऑलरेडी आ गया, अगर करंट डेट लेना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद देख सकते हैं स्टिकर है, तो इस स्टिकर में देख सकते हैं किस टाइप का आप स्टिकर लेना चाहते हैं, बहुत सारे इमोजी भी ले सकते हैं,
या फिर कह सकते हैं स्टिकर और भी बहुत है सारे हैं, तो जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टिकर यहाँ से ले सकते हैं, जो आपको स्टिकर अच्छा लगता है ले सकते हैं। ये हो गया, और उसके बाद फिर हम प्लस पे जाते हैं, फिर उसके बाद देख सकते हैं कि सेप है, तो सेप में कौन सा सेप आप यूज़ करना चाहते हैं, पे जाइए देख सकते हैं बहुत इतना सारा सेप भरा हुआ है, सो सेप ले सकते हैं। सो उसके बाद हम बात करेंगे फिर फ्रॉम गैलरी, तो फ्रॉम गैलरी में ये होता है कि कौन सी फ़ोटो अगर आप लेना चाहते हैं, फ़ोटो यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। फिलहाल गैलरी में जाएंगे और गैलरी से मान लीजिए फ़ोटो हमको उठाना है, तो ये फ़ोटो हम यहाँ पे जैसे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर साइज़ कर सकते हैं, कितना फ़ोटो को कट करनी है, कितना रखना चाहते हैं, वो सारी यहाँ से आप जो है एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अप डाउन भी कर सकते हैं, तो और साइज़ में भी देख सकते हैं बहुत सारे साइज़ लिखा हुआ है। सो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे साइज़ आपको हम, सो 1:1 1:1 का है, 16:9 का भी है, 4:3 का भी है, 3:2 का भी है, और 9:16 का भी है, 3:4 का भी है, 2:3 का भी है, 4:6 जो साइज़ में आप रखना चाहते हैं इमेज को रख सकते हैं। सो फाइनली देख सकते हैं इमेज यहाँ पर आ गया, और इमेज जो हम चाहें तो साइज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं सो इस तरह से साइज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हो गया गैलरी का। फिर उसके बाद ड्राइंग है, ड्राइंग का मतलब ये है कि आप कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो सब कुछ देख सकते हैं कि ये भी हम टाइप कर रहे हैं तो इस तरह से लिखा रहे हैं। तो ये हो गया कहीं ना कहीं बहुत ही जो कह सकते हैं एडवांस जो है दिया हुआ है, इसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, आगे की बात करेंगे। सपोज़ मान लीजिए आपको जो है इमेज की साइज़ आप समझिए, तो इमेज की साइज़ देख सकते हैं कि अभी स्क्वायर में पूरा इमेज है ये, सो देख सकते हैं कि इतनी इसकी लंबाई है, और इस सॉरी हाइट इसकी है, इसकी चौड़ाई इतनी है। तो अब इसको आपको जो है हाइट और साइज़ जो है कह सकते हैं यूट्यूब की अलग होती है, फेसबुक की अलग होती है, इंस्टाग्राम की अलग होती है, यूट्यूब की बैनर की अलग होती है, यूट्यूब की थंबनेल की साइज़ अलग होती है, फिर न्यूज़ कह सकते हैं यूट्यूब, उसके बाद फिर कह सकते हैं ट्विटर के जो हैडर है उसकी साइज़ अलग होती है। तो ये सभी चीज़ का कहीं ना कहीं साइज़ जो है पिक्चर की अलग होती है। तो इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं तीन बटन आपको दिख रहा होगा, तीन बिंदु दिख रहा है आपको, सो तीन बिंदु पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे तीन बिंदु पर क्लिक कर सकते हैं यूज़ फ्रॉम गैलरी और फुल स्क्रीन, यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज, इमेज साइज। तो अभी जो है हम इमेज साइज़ की बात करेंगे, और एक्सपोर्ट इमेज की बोलने से होता है कि आप इमेज जो है अपनी फ़ोन से आप यहाँ लाना चाहते हैं, ओके। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, तो कैमरा अगर जैसे क्लिक करते हैं तो कैमरा जो है फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा, फुल स्क्रीन करना चाहेंगे तो फुल स्क्रीन पूरा फ़ोन का हो जाएगा। तो अभी हम इमेज की साइज़ देखेंगे, तो इमेज की साइज़ देख सकते हैं आपको करना क्या है, यहाँ पर कस्टम पर जाइए, और यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर में रखना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर टाइप में रखना चाहते हैं, फिर यूट्यूब की कह सकते हैं, उसके बाद यूट्यूब की चैनल बैनर है, यूट्यूब की थंबनेल है, फेसबुक की कवर आर्ट है, फिर गूगल की कर सकते हैं प्लस जो कवर आर्ट होता है उसका भी बना सकते हैं, फिर कर सकते हैं ट्विटर का हैडर जो है साइज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। इससे जो है आप आसानी से सपोज़ मान लीजिए थंबनेल की साइज़ रखना चाहते हैं तो आप थंबनेल का साइज़ रख लीजिए, तो 16:9 का थंब जो है आपको साइज़ होती है, 1280 जो है आपको 2720, तो यह साइज़ हो गया यूट्यूब की। तो यूट्यूब की साइज़ देख सकते हैं इमेज की कट हो गई थोड़ी ऊपर से और नीचे से भी। तो ये हो गया यूट्यूब का साइज़। उसके बाद हम अगर बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ट्यूटोरियल टाइप के अगर बनाना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल भी बनेगा यहाँ पे, ठीक है, किसके साथ ओपन करना चाहते हो ओपन करना है, ये हो गया। और उसके बाद फिर हम बात कर लें थोड़ी सी अगर हम स्टेबल के बारे में, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक बार में सभी सेलेक्ट हो गया, ओके। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी फंक्शन है, एक बार में सेलेक्ट करके सभी को डिलीट कर सकते हैं, एक बार में सभी को हटा भी सकते हैं, इधर उधर करना चाहते हैं, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर डायरेक्ट अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, ओके, लेकिन इसको पहले सेव करना पड़ेगा आपको जो है फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे सेव जो है शेयर करने के लिए वो जो है यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो इसको हम अभी कैंसिल करेंगे। सपोज़ मान लीजिए फोटो ऐप सेव करना चाहते हैं, ओके, तो इसको हम सेव करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसको सेव करने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको इस पर आपको क्लिक करना है, ओके।
सो इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सेव एज प्रोजेक्ट। अगर आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर देते हैं तो आप चाहे तो सेव कर दीजिए, ये सेव रहेगा, प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए। सेव होने के बाद आपको जो है अगर फिर से उस पर काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं, और अन्यथा आप उसे सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। सेव एज इमेज अगर कर देते हैं तो आप गैलरी में सेव हो जाएगा। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि आप काम कर रहे हैं जल्दीबाजी में, इसको अगर आप मिनिमाइज़ कर देते हैं तो मिनिमाइज़ करने के बाद इसको हटा भी देते हैं तो उसके बाद फिर से हम ओपन करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर देखता है कन्फर्म एन ऑटो सेव ऑफ योर लास्ट सेशन इज़ अवेलेबल, डू वॉन्ट टू रिकवरी इट। तो क्या आप जो पहले काम कर रहे थे क्या वो फिर से रिकवरी चाहते हैं, तो ओके कर दीजिए, फिर से वो काम जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये जो है फैसिलिटी, बहुत कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि आप काम कर रहे हैं और कहीं चले गए तो उसके बाद भी आप इस चीज़ को चाहते हैं तो आप आसानी से इस पर आकर के काम कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छी मज़ेदार एडिटिंग एप्लीकेशन है, इसके ज़रिए आप चाहे तो जैसा वीडियो बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन है फोटो एडिटिंग के लिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा जो है फोटो इस पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप इसको इंस्टॉल कीजिए और इस पर काम कीजिए। आप जब